एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीएम बायोलॉजी। ट्रांसलेशन का प्रोसेस आज पढ़ेंगे। सेंट्रल डॉग्मा आपको मालूम है, डीएनए से आरएनए बनना, मतलब एमआरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होना। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो चीज़ें होते हैं सेंट्रल डॉग्मा में। और हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. तो translation क्या होता है, translation में mRNA से क्या होगा, protein का synthesize होगा, और जहाँ पे अलग अलग amino acids आते हैं, bind होते हैं, और उसका एक polypeptide chain form हो जाता है, जिसे हम protein बोलते हैं। So the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. तो ये जो ऑर्डर होता है या फिर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, वो किससे डिफाइन होगा, वो एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे उससे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसका सीक्वेंस डिसाइड होता है, फिर डिफाइन होता है। द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें मालूम है कि प्रोटीन में क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो रहता है पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। तो फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी लगेगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो पहले फेज में क्या होता है, एक्चुअली पहले फेज में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, पहले इनएक्टिव होते हैं फिर एक्टिवेटेड स्टेट में आते हैं। तो एक्टिवेटेड कैसे होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या करेंगे, वो रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो टीआरएनए होगा उसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलेंगे। ओके, तो ये चार्ज हो जाता है टीआरएनए किसके साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ। अमाइनो एसिड कैसे एक्टिवेट हुआ, एटीपी के वजह से एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे गो एंड लिंक टू देयर रिलेटेड टीआरएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन, सॉरी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो मोर स्पेसिफिक वर्डिंग है उसके लिए। If two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. जब ये ऐसे दो charged tRNA close आते हैं, तो close आने के बाद उनका, उनमें जो peptide bond form होना होता है amino acid के बीच में, वो ज़्यादा easy हो जाता है। Okay? The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. अब जब प्रेजेंस, कैटलिस्ट का प्रेजेंस होगा उसमें, तो ऑब्वियसली एनहांस हो जाएगी ये प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। तो हमें मालूम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में वेरी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जो होता है वो होता है राइबोसोम। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। एंड व्हाट इज दिस लॉन्ग चेन, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एमआरएनए, दिस इज द एमआरएनए ऑन विच यू कैन सी नाइट्रोजनस बेसिस लोकेटेड एंड ऑन विच एक्चुअली द प्रोसेस इज अकरिंग। तो ये दोनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर राइबोसोम का रिक्वायरमेंट है, एमआरएनए यहाँ पे चाहिए होता है, और दूसरी बात टीआरएनए जो चार्ज होके आया है अमाइनो एसिड्स को लेके, अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड हो रहे हैं, एक्टिवेटेड किससे, किसके प्रेजेंस में होंगे, एटीपी के प्रेजेंस में होंगे। एक्टिवेशन के बाद वो जुड़ जाएंगे टीआरएनए को, टीआरएनए आ जाएगा एमआरएनए पे, और एमआरएनए पे आते आते वो रिलेटेड या फिर जो उससे रिलेटेड जो अमाइनो नाइट्रोजनस बेसिस है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे, ये कोडॉन रहेंगे एमआरएनए पे कोडॉन, और एंटी कोडॉन ये टीआरएनए पे होंगे। तो ये रीड करेंगे और रिलेटेड जो अमाइनो एसिड है उसको लेके आएंगे,
और ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को लेके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर देंगे बीच में, और बड़ा सा ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड चेन फॉर्म करेंगे। तो द सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये राइबोसोम क्या है, स्ट्रक्चरल आरएनए एंड उसके साथ 80 डिफरेंट प्रोटीन्स भी है। एंड इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स, अ लार्जर सब यूनिट एंड अ स्मॉलर सब यूनिट। हमें मालूम है कि ये जो आरएनए होता है, सॉरी ये राइबोसोम होता है, इसमें लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होते हैं। अ लार्ज सब यूनिट इज एंड अ स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा जब ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, वो एनकाउंटर करेगा एमआरएनए को। तो ये एनकाउंटर कर लेगा एमआरएनए को और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस का। There are two sites in the large subunit for subsequent amino acids to bind and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. यहाँ पे दो sites होंगे जहाँ पे आके ये tRNA जुड़ जाता है। और the ribosome also act as a catalyst. अब ये ribosome catalyst की तरह भी role play करेगा और क्या करेगा, bond formation ईजी कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। अ ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन एंड पोर्ट्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। तो ये ट्रांसलेशन यूनिट जो है, ट्रांसलेशन के लिए क्या लगेगा, एमआरएनए लगेगा, एमआरएनए आ गया एंड सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पे AUG जिस जहाँ प्रेजेंट होगा AUG, तो ये AUG यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन AUG से ये स्टार्ट होता है। ओके, स्टार्ट कोडन बोलते हैं जिसको। तो जहाँ AUG मिला mRNA के ऊपर, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसीलिए इसको स्टार्ट कोडन बोलते हैं। ओके, देन उसके ऊपर स्टॉप कोडन भी है। फिर नेक्स्ट और कुछ चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है एमआरएनए पे, जिससे कोई भी रीजन, कोई भी क्या बोलते हैं सीक्वेंस, अनट्रांसलेटेड रीजन रहता है, वो यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो ऐसा भी कुछ एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो क्या है वो, एंड एमआरएनए हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन, जिससे हम बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। The UTR are present at both 5 prime end before start codon and at 3 prime end after start codon, stop codon. They are required for efficient translation process. तो ये required किस लिए है, efficient translation process, translation के process को efficiently carry out करने के लिए जो untranslated region important होता है। For initiation, the ribosome binds to mRNA at the start codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA. अब initiation के लिए एक और चीज़ important होती है, वो है initiator tRNA. तो ये initiator tRNA आगे कहाँ पे, start codon में codons को recognize करता है, वो start codon को recognize करेगा initiator tRNA और वहाँ पे जाके bind हो जाएगा। The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. अब ये ribosome क्या करेगा, proceed करेगा elongation phase से, तो elongate करता जाएगा protein synthesis को, carry करता जाएगा next. The ribosome proceeds to the elongation phase of the protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acids linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA and T codon. तो यहाँ पे आगे elongation मतलब क्या है, जो भी sequence आता आ रहा है आगे mRNA के ऊपर, उससे related tRNA को लेके आना, और tRNA के साथ और क्या चीज़ आ रही है, चार amino acid भी आ रहा है वहाँ पे। तो ये
पूरा जो प्रोसेस है वो अमाइनो एसिड को लेके आना है और टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर बाइंड होता है और वो रीड करता है एमआरएनए के सीक्वेंस को और अकॉर्डिंगली उसी टाइप का जो प्रोटीन है या फिर अमाइनो एसिड है वो भी वो लेके आ रहा है साइमल्टेनियसली। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए। तो राइबोसोम मूव कर रहा है, कोडॉन टू कोडॉन मूव कर रहा है, जैसे कि जिप टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है वो। देन अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, वन बाय वन ऐड होते जाते हैं और ट्रांसलेट होता जाता है, ट्रांसलेशन होता जाता है, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। तो ये फिर ये पूरा इलोंगेशन का प्रोसेस हो गया। इलोंगेशन होते होते बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आके जुड़ रहे हैं और जुड़ते जुड़ते क्या बन रहा है, उसका एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रहा है। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो चुका, प्रोटीन सिंथेसिस अगर उसको स्टॉप करना है तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में आके स्टॉप होता है। तो स्टॉप कोडॉन आ गया। अब एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन। तो रिलीज फैक्टर एक आएगा और रिलीज फैक्टर कहाँ पे जुड़ेगा, आपके स्टॉप कोडॉन पे बाइंड हो जाएगा। और ये स्टॉप कोडॉन पे जब आया और बाइंड हो गया तो हम क्या समझेंगे, ये टर्मिनेशन हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। तो ये पूरा पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला अमाइनो एसिड लिंक हो गए हैं और पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्म कर चुके हैं। अब ये एंड में क्या करेगा, स्टॉप कोडॉन जो है वो रीड करेगा और स्टॉप कोडॉन पे आगे कौन जा आके बाइंड करेगा, जो टर्मिनेशन फैक्टर या फिर हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। तो रिलीज फैक्टर क्या करेगा, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था वो किस एरिया में हो रहा था, सेल के साइटोप्लाज्म एरिया में। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हीं राइबोसोम्स पे क्या होगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।